स्टार्ट सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस वीक आपको ऐसा क्यों गट फीलिंग आया कि आप ही घर से बेघर होने वाले हो? क्योंकि मुझे हर वीक जिसकी भी गट फीलिंग आती है वो बहुत सही होती है. इस बार मुझे अपने लिए आई और मैं विक्ट हो गया. I was right. बट उसके बाद ही आपने ये कहा कि आपको नहीं, आपके बदले कोई और जाना थी, जैसे आपने कर मुझसे पूछा गया कि अगर आप नहीं तो कौन, तो मैंने करण का नाम लिया. ओके, उसके अलावा ऑफ कोर्स हम जानना चाहेंगे बाहर आने के बाद आपके जो एक रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन मिली है. मेरे रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि मुझे अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है. इट्स जस्ट दैट उस पॉइंट पे पूरे इंटरव्यू के बीच में से उठा के जो चीज़ बोल दी गई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी. बट देन आई वॉज बैक अगेन. मैंने उस चीज़ का कभी उसके बाद दोबारा जिक्र नहीं किया अगले दिन से, बिकॉज मुझे अपने रिलेशनशिप पे पूरा भरोसा है. उनको ज्यादा बेटर पता है बिकॉज मुझे टॉप टू की चीज भी नहीं पता थी, मुझे ये चीज भी नहीं पता है. लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप खो गई थी ईशा और अविनाश के बीच में. आप थोड़े से आपने नायरा से बात करने की कोशिश की आपने? मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बात की. किया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में आप खो गई. ऐसा आप अगर आप देखें कन्वर सर ने भी माना कि कहीं ना कहीं आप वो ग्रुप के वजह से ये आज आप इतना आउट हुई है. मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूँगी कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ. ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ. क्योंकि आप सबसे बात करते थे, आप सबसे बात करते थे, अगर हम देखें पूरे बिग बॉस में सबसे मिलाकर आप बात करते थे. लेकिन कहीं ना कहीं ईशा और अविनाश के वजह से आप ये थोड़ा बैकआउट हुआ है आपका. आई डोंट रियली नो कि अभी मैंने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता क्या कितना दिखाया गया है, क्या कितना नहीं दिखाया गया है. इस चीज़ पे मैं कमेंट कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद की, और मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद की किसको जो जिसको भी जो कुछ भी लग रहा है वो क्यों लग रहा है. ईशा शो में आपको वुमन गार्ड भी खेलते हुए देखा गया है, इसके अलावा बीचिंग करते हुए भी काफी ज्यादा. पहले तो मेरा नाम आप ठीक से ले लीजिए. थैंक यू. हाँ, आपका क्वेश्चन. हाँ, तो आपको शो में बीचिंग करते हुए भी काफी ज्यादा देखा? बीचिंग करते हुए मुझे नहीं देखा गया है. मैं लोगों के बारे में बात कर रही थी. हाँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी. हाँ, मैं लोगों के बारे में ओपिनियंस फॉर्म कर रही थी. मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही थी, वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, जो गेम का एक बहुत अहम पार्ट है. तो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग. और बीच में थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह हो रही थी. एंड दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट. आपको कॉन्फिडेंस वाइज लो हो गई थी आप, बिकॉज जब सलमान ने आपसे पूछा कि यू नो कौन घर से बाहर हो सकता है, तो आपने ऑटोमेटिकली अपना? नहीं, वो कॉन्फिडेंस लो नहीं था, वो मेरी गट फीलिंग थी. मुझे पूरे हफ्ते से गट फीलिंग थी कि मैं जाने वाली हूँ, बिकॉज हर बार, इनफैक्ट अभी मैंने इस चीज़ का आंसर दिया है कि हमारे दोस्तों के बीच में, हम सब के बीच में हमेशा ऐसा होता था कि इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा. और हर बार मेरी गट फीलिंग सही होती थी, और इस बार मेरी गट फीलिंग मैं थी. और मुझे पूरे हफ्ते से कहीं ना कहीं पता था मैं जाने वाली थी, और मैं अपने दोस्तों को भी यही बोल रही थी कि दिस टाइम इट इज़ मी. सो जैसे ही उन्होंने पूछा, मैंने अपना हाथ उठाया, बिकॉज आई न्यू आई हैड दैट गट फीलिंग. तो मैंने अपना हाथ उठा लिया. दैट वाज नॉट कॉन्फिडेंस लो. ईशा ने कहीं ना कहीं आपके बारे में भी कुछ बैक बीचिंग की थी अविनाश के साथ, कि जैसे कि आप लोगों से बात करने चाहती थी, तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी वो सवाल उठाती थी कि ये अपने कई सारे गुड पॉइंट्स बनाने के लिए कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने अभी तक एपिसोड देखा नहीं है, तो मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती. पर मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ कि बैक बिचिंग उसको तो नहीं कहा जाएगा. ठीक है, एक दोस्त, हम तीन दोस्त हैं. अगर किसी को किसी के बारे में कुछ लग रहा है, तो उसके पीछे से बाकी दो लोगों ने बात की है, इसका मतलब बैक बिचिंग तो नहीं हो गया है कहीं भी. उसको जो लग रहा होगा उसने बोला होगा. वैसे बाहर आप लोगों की गैंग को चुगली गैंग ये नाम दिया गया है. यस, आई एम अवेयर. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर हम दूसरों के बारे में इतनी बात करते थे जहाँ हम उनके लिए ओपिनियंस अपने बता रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, इतनी बात करते थे, तो इतना सारा हमारा खुद का हंसी मस्ती एक दूसरे के बारे में होता था. तो अब बिकॉज घर के अंदर एज सच कोई इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है जिसको गैंग कहा जा रहा है, तो चुगली और गैंग को मिक्स करके चुगली गैंग बना दिया गया. बाकी आई डोंट थिंक इट इज चुगली. सब लोग यहाँ पे आपका एविक्शन के बाद एक चीज देखी गई कि शिल्पा जी जाकर ईशा के साथ कहीं ना कहीं बैठ रही थी, और दूसरी चीज ये शिल्पा मैम और ईशा काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. यस, दे वर टॉकिंग अबाउट
की अच्छी लड़की थी, घर से बाहर हो गई। एंड कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है शो में कि शिल्पा जी का जो झुकाव है वो विवियन की तरफ थोड़ा ज्यादा है, इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है शो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी पता नहीं चलेगा शिल्पा मैम का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है। आपके जाने के बाद करण ने ये कहा कि आपको अफसोस होगा बाहर जाने के बाद जिसके साथ वो बैठे हुए थे दिग्विजय। बिल्कुल भी नहीं, नॉट 1%, नॉट एट ऑल। पहले तो कहीं ना कहीं जब यू नो करण अविनाश का एविक्शन हुआ था तब यू नो आपको पैनिक अटैक भी आया था, उस चीज का काफी मजाक उड़ाया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक इट इज़ वेरी सैड बिकॉज मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ इस दुनिया में जिसको पैनिक अटैक्स और एनजाइटी अटैक्स आते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैनिक अटैक और एनजाइटी अटैक आते हैं, और लेट मी टेल यू 20 अलग अलग टाइप के पैनिक अटैक्स होते हैं, ठीक है। उसमें से एक ये वाला भी होता है जहाँ इंसान शिवर करता है, मुझे खुद को कई अलग अलग टाइप के आते हैं, तो जहाँ इंसान शिवर करता है उस टाइप में शिवर करी थी। आई एम वेरी अवेयर ऑफ द वीडियो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी सैड एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि उस चीज़ के बारे में आप मजाक उड़ा रहे हो, किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हो। सो दैट्स जस्ट नॉट कूल। वैसे आपके एविक्शन से विवियन थोड़े मतलब सैड नहीं नजर आए, उनका बहुत ही कैजुअल रिएक्शन था आपके एविक्शन के बाद, व्हाट डू यू वांट टू से? विवियन इज नॉट समवन हु विल सिट एंड क्राई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी इवन ड्यूरिंग माई, मेरे को बस एक ही बार एनजाइटी अटैक नहीं आया था, मुझे कई दफ़ा एनजाइटी अटैक आया था, एंड विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, विवियन ऑलवेज केयर्ड फॉर मी। विवियन ने हमेशा मुझे गाइड भी किया, जब भी मैंने उनसे कुछ भी एडवाइस मांगी है, मैंने उनसे 20 मिनट मांगे हैं तो उन्होंने 3 घंटे दिए हैं, 15 मिनट मांगे हैं तो 2 घंटे दिए हैं, ठीक है। सो ही वॉज डेफिनेटली वेरी सैड, बस उनका तरीका अलग है, उनका तरीका बाकी लोगों की तरह नहीं है। सो दैट्स दैट। लास्ट क्वेश्चन एलिस, जब आप निकल रही थी आपने कहा ट्रॉफी घर ही आनी चाहिए, तो आपको कहते थे तीनों में से किसके घर जाती थी ट्रॉफी? आनी तो घर ही चाहिए, बट अगर मुझसे एक इंसान पूछा जाए तो मैं बोलूंगी विवियन। अगर हम बात, लास्ट क्वेश्चन था ना, एक एक सवाल एक सवाल, जैसे कि आपके रिश्तों के बारे में कई सारे बात हुई थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेकर्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप, व्हाट उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई वुडंट से मेकर्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय माय रिलेशनशिप, मेरा रिलेशनशिप इतना, पहली बात तो मेकर्स डिडंट ट्राई टू डू दैट, सेकंडली मेरा रिलेशनशिप इतना फ्रेजाइल नहीं है कि बस एक स्टेटमेंट से वो टूट जाए। या एलिस, थैंक यू। थैंक यू।